तो हेलो रखो माय चैनल आई चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म के ऊपर कंफर्म न्यूज मैं बता रहा हूँ। अब ये रूमर नहीं है ना कि इंटरनेट की थ्योरीज है, ये कंफर्म न्यूज है। अब टाइगर 3 के बाद भाई कौन सी फिल्म करेंगे? तो अभी लिस्ट में बहुत सारी फिल्में हैं। तो हम सीधा टॉपिक पर आते हैं कि करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली एक फिल्म, करण जौहर यानी कि धर्मा के प्रोडक्शन हाउस से आने वाली एक फिल्म, एक मिलिट्री के ऊपर बेस्ड होगी ये फिल्म, एक्शन जॉनर के साथ आएगी ये फिल्म। तो इसके अंदर सलमान खान होंगे और आई थिंक वाशु बगनानी इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे, जिन्होंने शेरशाह मूवी को डायरेक्ट किया था। सो अब इस फिल्म के लिए ना बज बहुत है और ये फिल्म प्रोबेबली 2025 की ईद पर आएगी। अब इसका रीज़न ये है कि प्रेम की शादी, यस प्रेम की शादी, अगर अभी तक इसकी स्क्रिप्टिंग ख़त्म नहीं हुई है, पर अगर इस साल तक इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग ख़त्म हो जाए और जनवरी के आसपास या दिसंबर के आसपास ये फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी, तो अगले साल 2024 के दिवाली पर प्रेम की शादी हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर पर इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि अगर प्रेम की शादी का स्क्रिप्टिंग ख़त्म नहीं हुई और अगर भाई अगले साल सीधा धर्मा की फिल्म के साथ गए, तो अगले साल 2024 के दिवाली पर धर्मा की फिल्म देखने को मिलेगी और उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान। पर इसमें भी पर ये है कि प्रेम की शादी की स्क्रिप्टिंग ख़त्म हो जाए तो 2024 के अंदर हमें प्रेम की शादी देखने को मिलेगी दिवाली पर, 2025 में सलमान खान एंड धर्मा प्रोडक्शन हाउस, और 2025 के दिसंबर में टाइगर वर्सेस पठान। ये भाई का अब तक लाइनअप है। अब इसके अंदर ना जो क्वेश्चन मार्क है वो प्रेम की शादी के ऊपर है, जब वो फिल्म होगी कि नहीं होगी इसके बीच में ये सारी चीज़ें फंसी हुई है। बाकी रूमर्स में कि टू है, पर वो रूमर्स में ही है। सो ये भाई की अपकमिंग फिल्मों की लाइनअप है। मैं प्रेम की शादी के ऊपर कंफर्म नहीं हूँ, अगर आगे जाके न्यूज़ आएगी तो कंफर्म हो जाएगी। बाकी धर्मा के साथ भाई फिल्म कर रहे ये कंफर्म है, कुछ मतलब पूरा साइंस सीन डल सब कुछ कन्फर्म हो गया है। अब मैं मिलता अगली वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।